राजा भैया के कई राज फाश हो रहे हैं। राजा भैया को लेकर एक और नया खुलासा हुआ है। खाद्यान्न घोटाले का एक और गवाह कैमरे पर है, उसके बारे में आपको हम बताएंगे। उससे क्या बातचीत हुई वो आपको बताएंगे। अभिषेक उपाध्याय के पास लिए चलेंगे, लेकिन इससे पहले गवाह ने क्या कुछ आरोप राजा भैया पर लगाए थे वो भी जानना आपके लिए जरूरी हो जाता है। देखिए एक एक करके वो जानकारी आपके सामने। राजा भैया पर क्या क्या आरोप लगे। 2004 से 2007 के बीच घोटाले का आरोप लगाया गवाह ने। मुलायम सरकार में खाद्य मंत्री थे उस दौरान राजा भैया, जब उन पर ये गंभीर आरोप लगे। गरीबों का राशन खुले बाजार में बेचने का आरोप लगाया गया। हजारों करोड़ रुपए के घोटाले का इल्जाम लगाया गया है, यानी हजारों करोड़ रुपए का यह पूरा घोटाला हुआ यह दावा किया गया है। बहुत ही गंभीर आरोप उन पर लगाए पूर्व पीआरओ राजीव यादव ने। उनका यह भी दावा है, कितना बड़ा घोटाला अगर आप जानिए थोड़ा सा, 3 लाख करोड़ रुपए का कोल स्कैम अगर आपको याद हो, कोयला घोटाला लगभग 1,75,000 करोड़ के आसपास का बताया गया था। सोचिए उससे भी बड़ा घोटाला। खाद्यान्न घोटाला कब हुआ, 2004 से 2007 के बीच में यह दावा किया है राजीव यादव ने। घोटाले में राजा भैया का क्या हिस्सा रहा, इस पर भी राजीव यादव का दावा है कि कई 100 करोड़ रुपए मिलने का दावा। और घोटाले में राजा भैया का हिस्सा जो कहा गया तो सीबीआई को सौंपी सिर्फ एक डायरी में 100 करोड़ का दावा किया गया है राजीव यादव की बात तरफ से। ये तमाम बातें कही गई हैं। ये देखिए ये सारी चीजें सारी जानकारियां आपके सामने। राजा के राजदार ने सीबीआई को जो सबूत सौंपे वो तमाम जानकारियां हम आपके सामने रख रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से। ये देखिए तमाम जो रसीदें रखी गई थी बताई गई थी दस्तावेजों पर राजा भैया और परिवार के दस्तखत का दावा किया गया। गंभीर आरोप ही नहीं लगाए गए राजीव कुमार यादव की तरफ से। देखिए आप देख रहे हैं ये नाम लिखा हुआ यहां पर राजीव कुमार यादव का, साफ साफ उनकी तरफ से ये तमाम बातें कही गई हैं। सवाल ये कि क्या इस पूरे मामले में जो मुकम्मल कार्रवाई होनी चाहिए थी, जिस तरीके की कार्रवाई का इंतजार था, क्या वैसा हो पाया। दस्तावेजों पर राजा भैया और परिवार के दस्तखत का भी दावा किया गया है। अब राजीव यादव कौन है जरा वो भी जान लीजिए जो ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं। एबीपी न्यूज पर जो आप सुपर एक्सक्लूसिव ये तमाम जानकारियां देख रहे हैं राजीव यादव के हवाले से, यूपी खाद्यान्न घोटाले में सीबीआई के अहम गवाह हैं। इस पूरे मामले की पड़ताल जो सीबीआई कर रही है। राजा भैया के पीआरओ रह चुके हैं राजीव यादव। आप सोचिए किसी जमाने में कितने उनके करीबी रहे होंगे पीआरओ। राजा भैया के खिलाफ कई सबूत देने का दावा उन्होंने किया है। कुछ सबूतों का हवाला हमने आपके सामने रखा भी। सुप्रीम कोर्ट में राजा भैया के खिलाफ सबूत देने का दावा उनकी तरफ से किया गया है। और अब एक और नया खुलासा हो गया, एक और नया गवाह सामने आ गया है, मनोज तिवारी। अभिषेक उपाध्याय हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, मनोज तिवारी ने जो तमाम बातें कही उसमें एक बहुत ही अहम बात, जहरीली शराब को लेकर जो खुलासा किया गया, जहरीली शराब जिसका सीधा मतलब है मौत का सामान। आप कह भी रहे थे कि उस इलाके में जहरीली शराब से कई लोगों की जान भी गई है। राजा भैया की क्या भूमिका उसमें बताई जा रही आरोपों के मुताबिक। देखिए अखिलेश, ये जो आरोप हैं और ये आरोप किसके हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, ये किसी पॉलिटिकल व्यक्ति के आरोप जो किसी पार्टी से बाहर निकल के आरोप लगा रहा हो ये उस फ्रेमवर्क में नहीं आता है, बल्कि ये आता है सीबीआई का जो विटनेस है मनोज तिवारी, और जो आठ साल 2 महीने तक जो जेल में रहा, जेल से बाहर आया, जेल से बाहर आने के बाद ये बात मनोज तिवारी ने कही है। और दूसरी अहम बात ये है अखिलेश से जुड़ी हुई कि मनोज तिवारी का ये कहना है कि जो बाकायदा सीबीआई को नोटशीट सौंपी गई है राजीव यादव की, हमने देखे कल राजीव यादव से बात की थी और राजीव यादव ने बाकायदा 3 नोटशीट का जिक्र किया था, जो सीजर मेमो है मेरे पास, उसके भी ये जो डॉक्यूमेंट हैं सीजर मेमो में उन 3 नोटशीट का जिक्र है, और उस पर सिग्नेचर हैं, उस पर सिग्नेचर राजीव यादव के हैं, उस पर सिग्नेचर राजा भैया के भी हैं, तो वो बाकायदा उसपे दस्तखत हैं जो ये दावा है, और उसमें एंट्री है कि आखिरकार ये पैसे कहां-कहां से आए, इल गॉटन मनी जिसे कहा जा रहा है, तो उसमें जहरीली शराब, उसमें ये लिखा हुआ है कि शराब से जो आमदनी हुई है। अब जिस शराब का जिक्र है वो राजीव यादव का ने भी इस बारे में लिखा है और मनोज तिवारी ने ये कहा है कि वो जहरीली शराब है। उनका ये भी कहना है कि जहरीली शराब का जो मसला है ये बहुत ही बड़ा मसला इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें कई मौतें हुई हैं, और मौतें हुई हैं ये फैक्ट है, मौतें अलग अलग जिलों में हुई हैं,
तो अब इनका यह कहना है कि इस मुद्दे को वो सीएम के पास भी ले जाएंगे और इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ में। एक बात मैं आपको और जोड़ दूं कि मनोज तिवारी की पीआईएल है खाद्यान्न स्कैम में, मनोज तिवारी ने बाकायदा पीआईएल किया है, मनोज तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में जो ब्लैक मनी पर कमेटी बनी थी वहां पर भी ये सबूत सौंपे हैं, राजा भैया के जो सबूत हैं ये सब कागजात हैं, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में जो सबूत पहुंचा जो है उसका भी देखिए मेरे पास 17 दिसंबर 2004 का लेटर है जो सुप्रीम कोर्ट की ब्लैक मनी पर जो कमेटी बनी है उसमें जो सबूत सौंपा है। तो ये सारी चीजें हैं और आप इसी बात को लेकर के चूंकि जेल से बाहर निकला है वो फिर से वो कोर्ट की ओर का रुख करने वाला है। जी शुक्रिया अभिषेक उपाध्याय इस पूरी जानकारी के लिए, आपका धन्यवाद। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।